ओके, तो मेड साइंसेज में माइक्रोसिटिक एनीमियाज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ अ जेनेटिक डिजीज़। थैलेसीमिया वर्ड जो है वो हमारे पास ग्रीक से आया। थैलेस मीन सी, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पीपल लिविंग अक्रॉस मेडिटेरेनियन, दैट्स वाई नेम थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्योंकि एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो ये किस तरह फैमिली में रन करता है उसको देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अनअफेक्टेड कैरियर फादर, अनअफेक्टेड कैरियर मदर, ठीक है, तो उनमें जो रेशियो है थैलेसीमिया का, दैट इज़ वन चिल्ड्रन कैन बी अफेक्टेड। अनअफेक्टेड 1 in 4 चांस, बिल्कुल भी उसको कोई मतलब ना वो कैरियर है ना अफेक्टेड है, बिल्कुल अनअफेक्टेड है। और उसमें से 2 कैरियर हो सकते हैं और 1 जो है वो थैलेसीमिक हो सकता है। डेफिनेशन क्या है थैलेसीमिया? डिक्रीज इन अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पैटर्न क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव? अच्छा, बिकॉज वी नो दैट माइक्रोसिटिक एनीमियाज में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि तमाम जितने भी माइक्रोसिटिक एनीमियाज के अंदर आते हैं, लाइक आयरन डिफिशेंसी, थैलेसीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, लेड पॉइजनिंग, उन सब में हमारे पास जो प्रॉब्लम है, द पैथोजेनेसिस है, वो एच बी सिंथेसाइज नहीं हो रहा किसी ना किसी तौर पर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्फ़ा और ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है जो कि हीम के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बना सके, तो एच बी लेवल इज़ डिक्रीज, इसलिए माइक्रोसाइट्स बन रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये दोनों, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो ज़्यादा कॉमन है वो है साउथ ईस्ट एशियन पीपल में, जो कि अफ्रीका या वेस्ट कोस्ट में, या फिर ब्लैक इन ब्लैक प्रीवलेंस जो है 5% है। बीटा थैलेसीमिया जो है वो ब्लैक्स में, ग्रीक्स में और इटालियंस में कॉमन है। अच्छा, सबसे पहले अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया पैथोजेनेसिस क्या है? डिक्रीज इन अल्फ़ा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस ड्यू टू जीन डिलीशंस। अच्छा, अल्फ़ा जो जीन्स हैं हमारे वो 4 होते हैं, बीटा जीन्स 2 होते हैं, ठीक है ना। 4 अल्फ़ा जीन्स एंड 2 बीटा जीन्स होते हैं। जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन नहीं हो रही है वो है जीन डिलीशंस, ठीक है। और बीटा में हमारे पास प्रॉब्लम है जीन म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग, ठीक है। यहाँ पे जीन डिलीट हो रहा है, वहाँ पे म्यूटेटेड हो रहा है, ये याद रखने वाली बात है। डिक्रीज इन अल्फा ग्लोबिन चेन ड्यू टू जीन डिलीशंस, मतलब 4 जीन है ना अल्फा के, तो 1 हो रहा है उसको हम कुछ और कह रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो उसमें हम कुछ और कह रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं जो सीवियर कंडीशन में होता है। 4 जीन्स कंट्रोल अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। 1 जीन डिलीशन प्रोड्यूस अ साइलेंट कैरियर। जब एक जीन आपका डिलीट हो चुका होता है तो एक साइलेंट कैरियर आप होते हो और आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, नॉट एसोसिएटेड विद द एनीमिया। अच्छा, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। ट्रेट हम तब कहते हैं जब हमारे पास 2 जीन डिलीट हो चुके होते हैं। जो ट्रेट होता है उसमें माइल्ड एनीमिया होता है, नॉर्मल या फिर इंक्रीज RBC काउंट होता है, ठीक है। अब जब 2 डिलीट हो चुके हैं, 2 डिलीट हो रहे हैं, तो उसके 2 पैटर्न्स हैं। नंबर 1 जो कि ब्लैक्स में होता है, नंबर 2 जो कि साउथ ईस्ट एशियंस में होता है। जो ब्लैक में होता है वो पैटर्न हमारे पास है ट्रांस, यानी हमारे सिंगल क्रोमोसोम में से एक हो रहा है और एक दूसरे में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोनों एक साथ एक ही क्रोमोसोम में नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट अलील्स हो रहे हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन में जो हमारा पैटर्न है वो है सिस पैटर्न, जो कि ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है। दोनों अलील्स एक ही पॉइंट पे हमारे पास वो डिलीट हो रहे हैं। HPH तब कहते हैं हम जब हमारे पास 3 जीन्स डिलीट हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें हमारे पास 4 बीटा चेन्स बनते हैं। सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया होता है बिकॉज 1 क्रोमोसोम कम्प्लीटली लैक्स अल्फा ग्लोबिन जीन्स। अच्छा, क्रोमोसोम कम्प्लीटली लैक्स अल्फा ग्लोबिन जीन्स की वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जीन्स डिलीशन इज कॉल्ड HPH, जिसमें 4 बीटा चेन्स जो हमारे पास बन रहे होते हैं इसको हम HPH डिजीज़ भी कहते हैं। उसमें सीवियर हेमोलाइटिक एनीमिया और होता है, दैट वी डिस्कस्ड। एक्सेस बीटा चेन इंक्लूजन्स कॉजेज मैक्रोफेज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। हीमोग्लोबिन एक F होता है जो फीटल लाइफ में होता है, नॉर्मली हमारे अंदर वो 2% बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि HbA होता है, HbA2 होता है, ठीक है ना। एक एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, और
HbA2 जो होता है वो हमारे अंदर 2% होता है। ठीक है, HbA नॉर्मली हमारे पास ज़्यादा होता है, 98% होता है। तो उनमें हमारे पास जो चेन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अल्फ़ा चेन्स, बीटा चेन्स एंड गामा चेन। जो हमारे अंदर HbA होता है दैट कंप्राइजेज विद द 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ठीक है, और जो पीटल होता है उसमें 2 अल्फ़ा होते हैं और 2 हमारे पास डेल्टा होते हैं, नो 2 अल्फ़ा एंड 2 गैमा होते हैं। और जो HbA2 होता है उसमें 2 डेल्टा होते हैं और 2 अल्फ़ा होते हैं। जब हमारे पास एक चेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो दूसरा उसके बदले ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से अल्फ़ा जो हमारे पास थैलेसीमिया है दैट इज़ HbH व्हेन 3 जीन्स आर डिलीटेड, तो उसमें हमारे पास सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्सेस बीटा चेन की फॉर्मेशन होगी जो कि इंक्लूजन्स बनाएंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, तो मैक्रोफेज को वो लगेगा कि फॉर नॉर्मल है तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है सीवियरली। ठीक है, और HbA इलेक्ट्रोफेरेसिस में जो जिससे हम डिटेक्ट करते हैं HbA हीमोग्लोबिनोपैथीज को, तो उसमें हमें HbH फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 जीन डिलीशन इज कॉल्ड HbBART, जिसमें 4 गैमा चेन प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, इसको हम HbBART डिजीज़ भी कहते हैं जब हमारे पास 4 जीन्स डिलीट हो रहे होते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ। HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या दिखता है? HbBART दिखते हैं। इन यूट्रो ही इनकी डेथ हो जाती है, कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, ओके, लैब फाइंडिंग्स में हमें अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में क्या मिलता है? MCV विल बी डिक्रीज, हीमोग्लोबिन विल बी डिक्रीज एंड हीमोटोक्रेट विल बी डिक्रीज, इंक्रीज RBC काउंट। RBC काउंट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? बिकॉज देर इज़ एनीमिया, तो बोन मैरो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा RBC उसको जो है सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो RBCs बनाए, बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ RBCs, देर इज़ एनीमिया, तो इंक्रीज RBC काउंट, MCV और RBC काउंट रेशियो जो होता है वो हमारा less than 13 होता है। ठीक है, बिकॉज MCV इज़ डिक्रीज एंड RBC काउंट इज़ इंक्रीज। टारगेट सेल्स इनकन्सिस्टेंटली प्रेजेंट, टारगेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लैब फाइंडिंग्स में, टारगेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एबनॉर्मल ब्लड फिल्म से हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द टारगेट सेल्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड और वो किस कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। थैलेसीमिया में टारगेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिजीज़ में होते हैं, लिवर डिजीज़ में होते हैं और हीमोग्लोबिनोपैथीज़ में होते हैं। टीयर ड्रॉप सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और टारगेट सेल्स भी प्रेजेंट। 2 टीज तो आ गए थैलेसीमिया में, 3 टीज, थैलेसीमिया, टारगेट सेल्स, टीयर ड्रॉप सेल्स। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास जो रेड सेल विड्थ होती है दैट इज़ नॉर्मल, कोई एनाइसोसाइटोसिस नहीं मिलती हमें, डिफरेंट साइज के सेल्स नहीं मिलते हैं, तो नॉर्मल रेड सेल विड्थ। अच्छा, जो रेड सेल विड्थ है उस वो एक डायग्नोस्टिक भी है हमारे लिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए, बिकॉज हमने पढ़ा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में रेड सेल विड्थ इज़ इंक्रीज्ड। यहाँ नॉर्मल है, सीरम फेरेटिन, सीरम FEP एंड हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सब नॉर्मल है, बिकॉज आयरन डिफिशियंसी तो नहीं है ना, तो आयरन प्रोफाइल इज़ नॉर्मल। ओके, व्हाई हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ नॉर्मल इन ट्रेट? अल्फा ट्रेट में हमारे पास हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ नॉर्मल इन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, बिकॉज ऑल द हीमोग्लोबिन टाइप्स रिक्वायर्स अल्फा ग्लोबिन चेन्स। अल्फा ग्लोबिन हमारे पास हर हीमोग्लोबिन को चाहिए, HbF को भी चाहिए, HbA2 को भी चाहिए, HbA को भी चाहिए, तमाम को चाहिए, तो इसलिए हमारे पास वो नॉर्मल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो है ना। तो HbA कंसनट्रेशन इज़ डिक्रीज्ड, हाउ एवर द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द नॉर्मल HbS रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें नहीं मिल रहा होता, वो एक डायग्नोस्टिक अप्रोच नहीं है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के लिए। ठीक है, ओके, इफ़ नॉट डायग्नोज विद द HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस देन हाउ, उसको हम किस तरह डायग्नोज करेंगे? अल्फा ट्रेट है तो उसको किस तरह डायग्नोज करेंगे? ट्रेट यानी 2 जीन डिलीट हो चुके हैं। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, हम इसको किस तरह डायग्नोज करेंगे? फैमिली हिस्ट्री से, फैमिली हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा, और उसमें माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया भी होगी। ठीक है, तो उसमें हम डायग्नोज कर लेंगे, और उसकी जो लैब फाइंडिंग्स होंगी नॉर्मल HbA इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी और नॉर्मल आयरन प्रोफाइल होगा, और इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम आते हैं बीटा थैलेसीमिया पे। बीटा हमारे पास 2 जीन्स हैं जो कि बीटा ग्लोबिन चेन्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो एक बीटा माइनर है और एक बीटा थैलेसीमिया मेजर है।
पैथोजेनेसिस क्या है? डिक्रीज बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. माइल्ड एनीमिया इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू डीएनए स्प्लाइसिंग डिफेक्ट. उसमें क्या था? जीन डिलीशन. इसमें क्या है? म्यूटेशन. डीएनए विच टाइप ऑफ म्यूटेशन? स्प्लाइसिंग म्यूटेशन. सीवियर एनीमिया इज ड्यू टू नॉन सेंस म्यूटेशन विथ फॉर्मेशन ऑफ स्टॉप कॉडोन. मतलब हमारे पास जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें हमारे पास जीन म्यूटेशन हो रही है. दो टाइप के म्यूटेशंस हो रहे हैं. अगर हमारे पास डीएनए स्प्लाइसिंग हो रही है तो फिर माइल्ड एनीमिया वो कॉज करवाएगा. अगर नॉन सेंस म्यूटेशन है, नॉन सेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा कोडोन बन गया जिसने चेन के जो उसकी हमारी लेंथ होगी वो स्टॉप हो गई, स्टॉप कोडोन आ गया. ठीक है, नॉन सेंस म्यूटेशन यानी स्टॉप कोडोन उसने दे दिया, तो जो हमारे पास ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है चेन सिंथेसिस के लिए, बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस के लिए, वो स्टॉप हो गया. वो करवाएगा सीवियर एनीमिया, प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस और एब्सेंट बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ अल्फा, डेल्टा एंड गैमा ग्लोबिन, ये हमारे पास नॉर्मल है, बस बीटा नहीं बन रहा. नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस इज डेजिग्नेटेड बाय बी. अगर हमारे पास बी नेगेटिव ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, अच्छा बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस डिजाइनेड बाय बी पॉजिटिव, मतलब कम बन रहा है तो फिर हम उसको बी पॉजिटिव से शो कर रहे हैं. ठीक है, अगर नॉर्मल बन रहा है तो सिंपल बीटा है, अगर नहीं बन रहा तो बी नॉट से उसे शो करते हैं. बीटा थैलेसीमिया माइनर, दो टाइप के बीटा थैलेसीमियास होते हैं, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है. ठीक है, माइनर में क्या हो सकता है? दो ही जीन्स हैं ना. ठीक है, तो दोनों में से एक हमारे पास या तो नहीं बन रहा या तो फिर एक जो है वो डिफेक्टिव है, कम बन रहा है. ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं. वन बीटा इज़ नॉर्मल. ठीक है, एक बीटा जो हमारे पास चेन है दैट इज़ नॉर्मल, द अदर वन इज़ मे बी इट्स एब्सेंट और मे बी रिड्यूस्ड फॉर्म. ये करवाएगा हमारे पास माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया. MCV is decreased, hemoglobin is decreased, hematocrit is decreased, increase RBC count, MCV to RBC count ratio is less than 13. सारे जो भी हमारे लैब फाइंडिंग्स वो बिल्कुल अल्फ़ा थैलेसीमिया की तरह हैं. किसके? अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट. ठीक है ना, माइनर बीटा थैलेसीमिया के. टारगेट सेल्स आर प्रेजेंट एंड टीयर ड्रॉप सेल्स आर प्रेजेंट. अच्छा, ड्यू टू द डैमेज ऑफ RBC मेम्ब्रेन फ्रॉम रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्लोबिन चेन्स बाय स्प्लीनिंग मैक्रोफेजेस, वी नो दैट टीयर ड्रॉप सेल्स एंड टीयर ड्रॉप सेल्स आर मोस्टली और टारगेट सेल्स आर प्रेजेंट. अच्छा, नॉर्मल हमारे पास रेड सेल विथ है, सीरम फेरेटिन इज नॉर्मल बिकॉज आयरन प्रोफाइल इज नॉर्मल, वी नो दैट. सीरम एफ ई पी इज़ नॉर्मल बिकॉज हीम सेंथिसिस इज नॉर्मल. हीम सेंथिसिस हमारे पास नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन सेंथिसाइज हो रही है, ओनली बीटा चेन में प्रॉब्लम है. ठीक है, और जो एच पी इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हम करेंगे और उसमें हमें क्या मिलेगा? एच बी ए दैट इज़ टू अल्फा एंड टू बीटा चेन, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, बिकॉज बीटा ग्लोबिन चेन हमारे पास नहीं बन रहा है, फिर डिक्रीज है, तो एच बी ए इज़ डिक्रीज इन एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस. कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज किस में होगी? एच बी ए टू में, जिसमें हमारे पास दो डेल्टा और दो अल्फ़ा होते हैं, और एच बी एफ में जो कि दो अल्फ़ा और दो गैमा होते हैं. अच्छा, हमारे पास जो ट्रेट था अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट, उसमें हमारे पास एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हमें सब मिल रहा है. एच बी ए हमारा डिक्रीज होगा, एच बी ए टू और एच बी एफ कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होंगे, और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज इट्स माइनर फॉर्म. नेक्स्ट, अच्छा उससे पहले ये हमारे पास है समरी. क्या है? एच बी ए इज़ डिक्रीज, आर बी सी काउंट इंक्रीज, एच बी ए टू एंड एच बी एफ आर नॉर्मल टू इंक्रीज. अच्छा, और अच्छा आर बी सी काउंट, एच बी ए टू एंड एच बी एफ आर इंक्रीज, नॉर्मल रेड सेल विथ टारगेट सेल्स आर देयर एंड टीयर ड्रॉप सेल्स आर देयर. मेजर को हम कूलीज अनीमिया भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, या तो हमारे पास दोनों जो है एबसेंट है, यहाँ पे एक एबसेंट है और दूसरा डेफिशियंट है. ठीक है, ये सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करवाता है. ठीक है, बिकॉज हीमोलाइटिक एनीमिया इसलिए क्योंकि वो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हो चुका है एच बी ए में, वो नॉर्मल नहीं है, तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. आर बी सीज विद अल्फा चेन इंक्लूजन्स आर रिमूव बाय स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस. मार्क्ड इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आर बी सीज डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं. ठीक है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस से तो जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो भी कंजुगेट नहीं हो सकता, लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी इंक्रीज एंड जॉन्डिस विल बी देयर. आर बी सीज विद अल्फा चेन इंक्लूजन्स अंडरगो एपोप्टोसिस इन द बोन मैरो, जिसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस. या तो वो बोन मैरो में ही वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या फिर अगर स्प्लीन तक वो आ रहे हैं तो फिर वो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है, उसको एबनॉर्मल समझ कर. और हमें क्या मिल रहा है मेजर में? जॉन्डिस.
अच्छा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस EMH एंड एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस मिलेगी हमें, ठीक है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस मतलब बोन मैरो के अलावा भी कहीं पे हेमेटोपोइसिस हो रही है, कहाँ पे हो रही होगी? ऑब्वियसली स्प्लीन में, ठीक है। और बाकी जो हमारे एक्सोस्केलेटन है या फिर फ्लैट बोन्स हैं, थिन बोन्स है, वहाँ पे स्कल में। अच्छा, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, फ्रॉम एक्सेसिव हेमेटोपोइसिस, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हेमेटोपोइसिस जहाँ हो रहा है तो इसकी वजह से हमें लिवर इनलार्ज हो रहा है और स्प्लीन इनलार्ज हो रहा है, रेड सेल्स वहाँ इंगोर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और जो स्कल की जो रेडियोग्राफ होगी उसमें हेयर ऑन एंड अपेयरेंस होगी, क्ल्यू कट अपेयरेंस होगी, इंक्रीज रेड सेल विथ होगी ड्यू टू इंक्रीज साइज वेरिएशन, ठीक है। हमने अभी तक माइक्रोसिटिक एनीमियाज में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया पढ़ा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देयर वॉज इंक्रीज रेड सेल विथ, ठीक है। इन अल्फा थैलेसीमिया रेड सेल विथ वॉज नॉर्मल, इन बीटा थैलेसीमिया मेजर इट इज़ अगेन इंक्रीज्ड। तो वैसे तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए वो एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि रेड सेल विड्थ इज़ इंक्रीज, बट इन थैलेसीमिया ओनली इन कोलीस एनीमिया और मेजर बीटा थैलेसीमिया तो उसमें हमारे पास रेड सेल विड्थ इज़ आल्सो इंक्रीज। और इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट होंगे, टेयर ड्रॉप सेल्स, हॉवल जॉली बॉडीज विल बी आल्सो देयर। हॉवल जॉली बॉडीज हमने पेरिफेरल ब्लड फिल्म में डिस्कस किए हैं, जो कि न्यूक्लियर रेमिनेंट्स की वजह से बनते हैं, एंड न्यूक्लियेटेड RBCs भी होंगे। LHP इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी होगी हमारी मेजर की, बीटा थैलेसीमिया मेजर की, नो सिंथेसिस ऑफ HPA, HPA वहाँ पे माइनर में रिड्यूस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही सिंथेसाइज नहीं होगी बिकॉज दोनों ही हमारे पास एबसेंट हैं, और HBA2 HPF हमारे इंक्रीज होंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम, डेंजर ऑफ आयरन ओवरलोड हो सकता है, जिसको हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। सो उसके साथ हम जो है डेस्पेरोक्सिमिन भी देते हैं ताकि उसको चिलेट करे एक्सेस आयरन को। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ ओनली क्यूरेटिव अप्रोच। अच्छा, ये पेरिफेरल ब्लड फिल्म है जिसमें यहाँ पे ये हमारे पास टारगेट सेल्स, ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड RBCs, दीज आर टीयर ड्रॉप सेल्स। तो ये हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स हैं, हॉवल जॉली बॉडीज, ठीक है, दीज आर, एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज भी हैं, हाइपोक्रोमिक RBCs भी हैं, एंड देयर आर नॉर्मल RBCs एज वेल, ठीक है, छोटी भी हैं, नॉर्मल भी हैं, बड़ी भी हैं, बड़े नहीं हैं सॉरी, टेयर ड्रॉप हैं, ठीक है। यानी हमें थैलेसीमिया के अंदर पोइकिलोसाइटोसिस भी मिल रही है, हमें एन आइसोसाइटोसिस भी मिल रही है इन थैलेसीमिया मेजर, दैट्स व्हाई RDW दैट इज रेड सेल विड्थ इज इंक्रीज इन बीटा थैलेसीमिया मेजर। ओके, थैंक यू।